ये गाड़ी है पोर्शे कैनिस, ठीक है। इसका फॉल्ट आ रहा है, हेडलाइट फॉल्टी, ठीक है। हेडलाइट कंट्रोलर का मैं हेडलाइट निकालूंगा, उसका कंट्रोलर आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड का दिखा रहा है, मैंने स्कैन किया है, उसको खोलना, खोल के मैं आगे दिखाता हूँ। हेडलाइट की तरफ चलते हैं। इसका हेडलाइट खोलने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टूल का गैप बना है, लॉक इस साइड है, अंदर 9 का सिंपल एलंकी है, सादा एलंकी। मैंने एक ऐसा टूल बना के रखा है लॉन्ग के लिए, इसको इसमें फिक्स करेंगे, ठीक है, ओके। और इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे, देखिए लाइट बाहर आ जाएगी, मेरे को दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। लाइट आ चुकी है, आप देखिए लाइट लूज हो चुकी है, बाहर है। अभी मैं इसको कपलर निकाल के मॉड्यूल खोलूँगा। ये इसका कंट्रोल मॉड्यूल है, हेडलाइट का कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। ये जो लाइट को मूविंग करती है, टर्न करता है ऊपर नीचे, ये इसका मॉड्यूल है। इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसको चेंज करके मैं दूसरा डालता हूँ। कंट्रोल मॉड्यूल मैंने खोल दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा है। ये डाल के हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास स्पेयर है, मैं इसको डाल के चेक करूँगा, उसके बाद कंफर्म करके न्यू पार्ट्स मंगाऊँगा, ओके। लाइट को मैंने फिक्स कर दिया है, अब एक बार चालू करके देखेंगे इसको, फिर बराबर पूरी तरह फिक्स करूँगा, ओके। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन करेंगे, ओके। हेडलाइट ऑन है हमारा, ठीक है। और यहाँ से जो कोड आ रहा था वो चला गया, देखिए। फिर भी मैं एक बार स्कैन करूँगा इसको, हमारा जो हेडलाइट कंट्रोलर का कोड आ रहा था वो हमारा इरेज हो चुका है। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। इसका फ्यूज़ भी आता है ये साइड में 14 नंबर पे, ओके। राइट साइड का वो साइड आता है, ओके, दोनों का। उसका 54 है, इसका 14 नंबर पे फ्यूज़, ठीक है। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया, थैंक यू। मैंने गाड़ी को स्कैन भी कर लिया है, अभी इसमें ये दो कोड है, ठीक है। इसका तो ब्रेक पैड भी ख़त्म है पीछे का, ठीक है। लाइट का क्लियर है, पहले लाइट का कोड आता था, ठीक है। लाइट